अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पराठा बनाना सिखाएंगे। जिसके लिए हमें चाहिए मैदा आटा, उसके साथ 2 चम्मच मैंने देखिए बेसन का आटा डाला है, 2 चम्मच मैंने सूजी ऐड की है और 3 से 4 चम्मच मैंने नॉर्मल आटा, रोटी का जो हम यूज करते हैं गेहूं का आटा, गेहूं का आटा कहते हैं, ये डालूंगी। और मैदा आटा, मैदा तो मैंने ऑलरेडी, मैदे की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि है तो ये मैदे की रोटी, मगर इसमें ये आटे ऐड करने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसमें मैं 1/2 चम्मच चीनी डालूंगी और मैं इसमें डालूंगी नमक, दैट्स इट। अब इस आटे को मैं गूंदूंगी नॉर्मल, जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल आटा गूंदेंगे और फिर इसको पराठे बनाएंगे। और पराठे भी डीप फ्राइंग नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करके हम उसको पराठे बनाएंगे, ज्यादा हम ग्रीसी कोई चीज भी नहीं करेंगे। और अब इसका आटा बांध के रोटी की तरह वो मैं आपको, मैं आटा बांध के रखा था, आपको मैंने दिखाया था ना मैंने आटा कैसे बांधा है, क्या क्या चीजें डाली है मैंने। अब ये देखिए मैं बेल रही हूँ, इसको बेल के तवे पे मैं हल्के थोड़ा तेल डाल के शैलो फ्राई जैसा करूंगी, ज्यादा मैं इसको डीप फ्राइंग नहीं करूंगी, मगर ये होगा पराठा ही और जायका भी वैसा ही लगेगा आपको। थोड़ा थोड़ा आटा डाल दीजिए क्योंकि ये सॉफ्ट है, थोड़ा नॉर्मल मतलब बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं। ये देखिए इस तरह करूंगी तो ये खुद ही फैल भी जाएगा। अब हमने तवे पे थोड़ा सा तेल डाल लिया है, अब ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, अब ये मैं इसे हल्का सा तेल हमने डाला हुआ है नीचे, देखें हल्का सा तेल है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा साइड से और भी ऐड करूंगी और इसके ऊपर भी तेल डालूंगी हल्का सा, ताकि जब मैं इसको टर्न करूं तो ये साइड भी फ्राई हो जाए। ये देखिए, अच्छा ये पराठा जो है आप बोटी रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ऐसे भी खा सकते हैं किसी भी चीज के साथ, किसी भी सालन के साथ। ये मैदे आटे का है तो इसका थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है। और मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें और भी आटे जैसे सूजी ऐड की है, चने का आटा ऐड किया है, गेहूं का आटा ऐड किया है, तो 3-4 चीजों का एडिशन है तो इसका एक डिफरेंट लुक आ गया है। देखें, देख रहे हो कैसा लग रहा है, ये एक पराठा रेडी है। ठीक है, अब मैं इसे, मैंने चिकन भी जो बना के रखी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से असेंबल करते हैं, वो एक बोटी रोल बन जाएगा। ये है हमारा पराठा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सब कुछ सीखो।